आमे पूर्व अध्याय लड़ई पालारे जो प्रसंग सुनिथिले पुनर्मिलन किपरि भावरे राजा दुष्यंत सहित शकुंतलांकर चारिचक्षु मिलन होइछि प्रणयर आद्य बसंत जो जो दृश्य सेठारो विषय वस्तु को आज आगे नेबे गायक वेद विशारद पंडित रमेश चंद्र पंडा। केते दिन भवंग मंचे नाटुआ साजिछु बाया रे केते दिन भवंग मंचे नाटुआ साजिछु बाया रे जड़िलु जेतिकि पड़िलु सेतिकि जड़िलु भवरंग मोह मायारे केते दिन पाई भवरंग मंचे नाटुआ साजिछु बाया। तबे कथाटी हला कौन एकांतरे ये शकुंतला तद्गत मना हो जाइछंती दुष्यंत संपर्क बाह्य चेतना विलुप्त प्राय प्राय संधिक्षण अकस्मात आसी पहुंचाई क्रोधी ऋषि दुर्वासा जोटा कि बयान भितर से बाद दे तबे दुर्वासा से पहुंचला बेले अन्यमनस्कता हेतु प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शन करि पेले नै शकुंतला आतिथ्य अर्पण कले नै मने मने से क्षुब्ध हेले कने अपोजितो तिथिर्जस्य गृहात जाति विनिश्वसा गच्छन्ति विमुखास्तस्य पितृभिः सह देवता जदि अनभ्यर्थित भावरे अतिथि शून्य शून्य बाहुड़ी जाती तेबे पितृगण उद्देश्य पिंड अर्पण कले भी पितृगण ता ग्रहण करती ना एवं देवता उद्देश्य आम भोग राग ये सब बढ़िले भी देवता मुह फेर अतिथिर जत्र भग्नासो गृहात प्रति निवर्तते सतस्मै दुष्कृतिं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति मनोरथ होई अतिथि जहांकर द्वारा देशरू प्रत्यावर्तन करती तेबे से गृहिंकर जावतीय अर्जित पुण्य राशि को से संगरे नै जीवा सहित निजर पूर्वार्जित सकल दुष्कृति बा पाप राशि को से छाड़ी देकी जानती अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत लिखिछंती जादुआरु अतिथि बाहुडे से प्राणी प्रत्येक प्रेत मुखे पड़े से प्राणी प्रेत मुखे पड़े जार द्वार देशरु अतिथि फेरी आंती से व्यक्ति स्वयं प्रेत बनी जानती अर्थात बंची रही मध्य से मल्ला समान प्रयुक्त इत समान प्रेत जेमिति आमे अतीत कहचे अतीत गोटे शब्द नुहे दुई शब्द रमिश्रण अतियुक्त इत समान अतीत से भाई प्रेत हूँ प्रयुक्त इत जे प्रकृष्ट भाव इत हो गत से प्रेत बोले लाश बा डेड बडी तेणु बंची रही से व्यक्ति मृतवत माननीय मोर वरिण्य विदग्ध मंडली एतिक बेले शकुंतला उपयुक्त आतिथ्य अर्पण करिवारे जेहेतु खिलाप करिछंती ए दृष्टिरु क्षोब्ध हवा स्वाभाविक कथा कारण कारण अपूज्या जत्र पूज्यन्ते पूज्यान परिपूजिताः तत्र विराजन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयं अपूज्य लोक पूजा हुए पूजा पाइबा हकदार से पूजा वंचित हमती परिप्रेक्षी घटे कौन ना अहेतुक भय अकाल मरण एवं दुर्भिक्षादि लगि रहे
पार्ष ग्रंथ रही पितृदेव भव मातृदेव भव अतिथि देव भव आचार्य देव भव प्रत्यक्ष देवता माता हेले प्रत्यक्ष देवता अतिथि हेले प्रत्यक्ष देवता आचार्य वा गुरु हेले प्रत्यक्ष देवता तेणु अतिथि प्रति असम्मान को बरदास्त करा जाई पारे ना से क्षुब्ध होय समय कहिले घेन पूज्य पूजा व्यतिक्रम फल रखीचु लय से तोते चिन्हिब नहीं तू देले हे कहिले जे ये पूज्य पूजार व्यतिक्रम हटाई थिवारु यार दुष्परिणति अवश्य भोग करिया को हेबो तू जहाँ पाई एते व्याकुला तेणु तू ताकू जते निजर परिचय प्रदान कले हे से तोते केबे हेले ग्रहण करिवो नाही तोते से मने पकेई पारिवो नाही वृद्धा तपस्विनी गौतमी एतिक बेले पाद तले आसी पड़गले ये क्रोधांध दुर्वासांकर कहले आपण क्षमा करंतु पिला झी सी अन्य मनस्कता हेतु कौन टे भूल कर देछि मु आपण को अनुनय निवेदन करूछि आपण तो क्षमा कर दियो मात्र सेतिक बेले दुर्वासा कहिले जे जदि किसी अभिज्ञान थिबो किसी संतक थिबो तेबे हेतो ताहा प्रदर्शन कले तार प्राण प्रिय तार हृदय स्वर निश्चित भाव याकु घेना करिवे आश्वासन आसी गला समस्त मनरे विदाय नबार अव्यवहित पूर्वरु प्रीतिर स्मारकी रूपरे जेहेतु दुष्मंत देइछंती हेम अंगुरीय सुवर्ण मुद्रिका ये ताकुने कि बड़ कले जाय आमे दुष्मंत निकट पहुंचिबा मात्रे से मुद्रिका प्रदर्शन करी आमे विश्वास भाजन होई परिवा कृत्य होई ऋषि कथारे आतिथ्य करी अर्पण क्षमा मागी एही समरे दैवे आनिले तंक तोषण आश्रम गृह परित्याग करी दुर्वासा ऋषि चलिले सारी कणुव महाऋषि आश्रमे फेरी आसिले तीर्थ भ्रमण प्रत्यावर्तन करछनि कणुव से झियर हाव भाव देखिले कहले जे मो पाखरे अनवरत लटै घटै हुए एबे काहे कि से दूरता रखिकि चलुछि पांच कथा कहिले कथा उत्तर दउछि कण गोटे हेछि निश्चित विष्णु शर्मा लिखिछन्ति कहले आकारे रिंगित रिगतिया चेष्टया भाषण नच नेत्र वक्त्र विकारैश्च लक्ष्य तंत्रगत मनः चाली जनकर चाहानी जनकर अंग भंगी जनकर मुख भंगी ये सब आपे अन्य को जनई दिए से व्यक्ति रा हृदय रे की भाव तरंग सृष्टि होउछि चेनु जानि लेले कणुव निश्चित हावरे सतपत्र रे मो कन्या मनोनिवेश करिछि कारण मूलतः क्षत्रिय थिले विश्वामित्र विश्वामित्र परे तपस्सिद्धि आसीबा परे से हेले महर्षि तेणु ये क्षत्रिय कन्या क्षत्रिय राजा को मन प्राण समर्पण करिछी तेणु किछि अन्याय हेनी निश्चित भाव सामाजिक दृष्टिकोण रु वैधानिकता दृष्टिकोण रु ठीक अछि तबे अर्थ ही कन्या पर किया एबो कन्या केबे हेले दीर्घ दिन धरी पित्राल रही जन्म नहीं नए तेणुक सी सारंगरव शारदवत वृद्धा गौतमी एम को कहले कहले झील को नहीं जगार छाड़ी दियो ते पुओ एठी गोटे दूरदृष्टि खटेले निश्चित हावरे ऋषि चाहिए प्रियम्बदा अनसुआ कौन पठे पारि न था कि कहीं कलेनी ये युवती कनिया से मैंने भी युवती कनिया छाड़ा ठीक हम ना तेणुक सामाजिक विधि व्यवस्था दृष्टि सामाजिक चलनी दृष्टि से उचित मन कले वृद्धा तपस्विनी जवा ठीक आरुष हिसाब से शिष्य द्वय यथाक्रमे सारंगरव आ शारदवत एम को पठाइवा ठीक हम मुहूर्त रे देवे निचाटिया निरला जगह देखी
ये दि सखी फुसला फुसले अनसूया प्रियमदा भाई ये नाम कौन तात्पर्य कौन नास्ती असूया जसी हासा अनसूया जार असूया ना जार घृणा ना जार विद्वेष भाव ना जार हीनमन्यता ना जार संकीर्णता ना जार बाछ विचार ना ये सब ऊर्धरे जी सी हूँ अनसूया आ प्रियमदा किए प्रियमदति जा सा प्रियमदा तेज एम नाम जहा कम से तेणु से मानकर कथोपकथन शैली व्यावहारिकतारु निश्चित भाव परिस्फुट होती लिखिंट व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति कम जो नाम सीना संगिनी अनसूया प्रियमदा निरला जगार कौन सखी तमे काली काली जत राजरानी होई हस्तिनार पदार्पण करिवो आउ ए अभागिनी मानु कोन मन रखिवो कांद कांद हो गले शकुंत अश्रु सजल नेत्र केड़ बड़ कथा तमे कहिलो त मु केमिति मु भूलिबी केबे हेले राज के ऐश्वर्य प्राचुर्य भीतर मजि रही मु तुम मान को भूलि पारिबे नै शैलु चंदन लता जे सन चंदन लता जे सन उद्यान कु गले मौली कहिले शकुंतला कहले मलय पर्वत देहरु चंदन को उत्पाटन करी नहीं जदि सुसज्जित राज उद्यान मध्य रोपण करा जाए पूर्व सौंदर्य पूर्व सौ कुमार जो केबे हेले तार अक्षुण रहे ना से बड़ा मौली जाए बा झाउली जाए मु ए प्रकार आश्रमिक परिवेश भितर जेमति स्वच्छंद रे जीवन जापन करे राजरानी भट्टी भली सेठी चलिले मध्ये ए प्रकार स्वतंत्र ए प्रकार स्वाधीनता ए प्रकार सुख ए प्रकार स्वच्छंद के बेले अनुभव राणी पारिबे नै लो परवर्ती अवस्था रे लटई घटे होछनी पाखरे आसी ए मृग शिशु गण कारण नित्य संबंध तांकर अतुट रहिछि एमानकु देखि देला पर गोटे बाछल स्नेह आसी आइछि शकुंतलांकर एमानकु छाडी कि से जिबे किपरि कारण मातृ तो होछि गोटे कन्यार मध्य सहजात गुण वयस विचार ऊर्ध्वरे से माने अन्य मानक प्रति स्नेह प्रवणा ऋषि समय कहते जास्य त्यज्य शकुंतले हृदय संस्पृष्ट मुत्कंठया स्तंभित बाष्पवृति कलुष चिंता जलम दर्शन कहले आज मो झी जा झील को छाड़ा बेल मोर जो भाव तरंग सृष्टि मोर जो दुख नैराश्य बोध सृष्टि अनुपस्थित जनित बाधा मत व्यथित करुभवर पूर्व आनी नी मो कंठ आज बाष्परुद हो नेत्र जुगल मोर अश्रुसजल हो शरीर मोर जड़ पाल्टी जा तेणु मुझे सन्यासी जो सिद्धतपा ऋषि जदि मोर ये प्रकार प्रतिक्रिया आसुची जो मैंने गृहस्थ जीवन अच्छा मायाशक्त मनुष्य से मैंने कन्या को विदा दे बेले कि प्रकार हृदय व्यथित न हो सतरे पातुम न प्रथम व्यवसती जलऊ जुस्मा सबीते सुजा नादते प्रिय मंडना विभवता स्नेह न जा पल्लवन आद्ये वह कुसुम प्रसूति समय जस्या भवति उत्सव स्वयं जाति शकुंतला पति गृह सर्वैरनुज्ञायतं कलहे मोर आश्रम
तरु लता गण तुम मंदा मूल रे आल बाल रे जल मुंदी न ढाले जे तुंड को जल निए ना एते अलंकार प्रिय होइ मध्ये दिन पाई कोठी पत्र टिके छिंडे जे देनी नुआ करी फुलटिया फुटिला वृक्षर बालतरे जे उत्सव मनाए समस्त प्रिय भक्ति आज शकुंतला आश्रम परिवेश छाड़ी चली जी बसी मालतुआ मु तो ग्राह्यस्थ जीवन कौन जानी तथापि कईटा कथा अनुमान सूत्र कह बाप हर चलनी बाप हर संठना अलग शाशु हर चलनी कथा अलग तेणु केतोटी कथा तू तोर हेतु रखिथु हे तो यह तोर निश्चित भाव काम आसो कह स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पद भक्ति अर्चन रे मति अर्पित करिवो कर्म परमेश्वर तोर हृदय देवता से हूं तोर परम गुरु तोर परम दैवत आ गोटे कथा मन रखिबू से सामर्थ्य अनुसार जहाँ तोते देबे से तु संतुष्ट रहिबू केबे निज रुचि निज चाहिदा सब्यस्त कर चेष्टा करू से अड़ुआ पकेबू केबे भी चेष्टिता हेबू ना आउ शाशु शशुर को यथोचित मान्यता देबु नणंदर अलि अर्दली बुझीबु आ गोटे कथा माँ कह अनाहूत हो आसी के तोर अजथा प्रशंसा कले जानु तार आगमन ते ठकवा कौशल जदि कई आकस्मिक भाव आसी ते टेकी टेकी बार कथा कहे तू जानू से व्यक्तिर मंद उद्देश्य अच्छी ते ठकवाई से आसी आ स्वामी को भोजन पर तु भूलु शु शयन स्वामी निद्रा तेजा पूर्व उठु थी मृत्यु केतेक चलनी विषय धारणा दे शिक्षा दे तापर से पठे वृद्धा तपस्विनी गौतमी को एवं निजर प्रिय शिष्य द्वय यथाक्रमे सारंगर बाउ सारद सारदमत को कहले तुम्हें जाओ झील को मोर छाड़ दे असुमारी स्वप्न मन भितर लहरी भांगुची शकुंतला प्रिय दर्शन जो आज तार जुटी एक दिगरे प्रिय आश्रम भूमि के परित्याग करिवार दुख सेडे प्रियजन मिलन र सुख ये जाई जेते किछि बात पहुँची छंती अचानक तंकर शारीरिक व्यथा ए जो बाट चलार श्रम बाधा उपनोदन करिवा निमित्त सची तीर्थ बा शक्रावतार तीर्थ सेठी अवगाहन करिवा पई मन बोलाइले जेत्रे स्नान करि छंती मुद्री काटी के जत्न र सहित एडे बांधी के नैथिले हे त ता सेठी खसी जाईची ता से जानि पारि नहंती उठि के तरतर होइ के चली आसि छंती ओरे जाई के पहुंचिले हस्तिना रे बुझिलु तबे कवि कहिले कवि रामकृष्ण छोटराय बहुत संस्कृत प्रहलाद नाटक विद्वांस कवयो भट्टा परिहास इतिहास पुराण सप्तांग लक्षण सभारे थांती पंडित माने कवि माने योद्धा माने गायक माने हास्यरसिक विदूषक माने इतिहास प्रवीण ऐतिहासिक माने पुराण प्रवीण पुराण पंडागण अनुपलक्ष करे प्रचंड प्रभारे राजू थाई राजदंड वर्ग गर्व हो जाए खंड खंड प्रतापशाली राज थे दुष्मंत डाण हाथ जो राजदंड धारण करुले तार चमक मात्र के दूरस्थ शत्रु मान हृदय खंड विखंडित हो जाए रत्न घटे रखा जाए जमुनार स्वच्छ जल सफल
राजा निकट रत्न घटर जमुना स्वच्छ जल रही था अनवरत कारण जो मैंने जाचज्ञाकारी भिक्षा आसी ब्राह्मण आसवे से बांछा परिपूर्ण करने से शख टेक जल वर्षण करती समय द्वारपाल सहित मत विनिमय कर राजा भेट हाँ शकुंतला इच्छा कले द्वारी जाइ जनईदेला कह आज्ञा चारिज आप प्रतीक्षार दर्शन लाल सारे जने जने युवती आउ बाकी दुई जन युवक जने वृद्धा कहले से आसवाक कह ये माने जो क्षण जाकि पहुंची एवं शकुंतला ग्रहण करंतु बोली सारंगरव शारदवत उभय कहते से बेले ये कहले कौ शकुंतला मुझे कहले कि कथा आपण ऋषि अनुपस्थित सुजोग नहीं से दिन जो मृगया विनोद जाइए आम ये ऋषिकन्या शकुंतला सहित आपण गांधर्व मत प्रणय है कहले कि कथा तेणु दुष्मंत नाम के छलनाकारी करी प्रतारित मुठारे भली दोषारोप तुम केबे नुहे उचित केही माया भी दुष्मंत नाम कही ए भंडी नहीं थी वो जीव दशारे ए भली अकरणीय कार्य मुझे करी पारी नाही अकृतज्ञ नहिबा कर्तव्य प्राण त्याग संस्थिते चकृत्य परित्याज्य देश धर्म सनातन देश को निजर प्रतिक्रिया व्यक्त करी कहिले राजा दुष्मंत कहले देख 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 साधारण तो नारी माने मिथ्यावादिनी अनुत मधुवाक्य स्वार्थी नहीं जोशी तेबे जो माने स्वार्थवादिनी जो माने मिथ्या भाषिणी अथच मधुर भाषिणी यही नारी माने को कथा रे जो माने कामी न हो बोले कामुक से माने केवल वशीभूत होंती कामी न हो संति सक्ता वही नान्ये भवंती मोहिता जो माने कामी से माने केवल सेथिरे वशीभूत होंती अन्य माने से पालरे पड़ंती नहीं एतिक बेले निजर प्रतिक्रिया प्रकाश करिया को जाई कहिछन शकुंतला कहले कुप इब तृणा छर्ण धर्मावरण भूषित एवं भूतेन मूढ़ेन त्वया भाव भयंकर ये मध्य से संस्कृत संलाप आधार रे श्लोक रूपांतर करा जाई तेबे कहिले गोटे कुओ उपरे जदि घास मारी जाई थिवो तेबे उपरटा घास देखा जाउची बोली जदि के भरसिक जाए कुओ भितरे से पड़िवो तुमे सही भली गोटे धर्मर बाह्य आवरण बाह्य खोलपा पिंधि कि अभिनय करथुवा मनुष्य तुम सहित जे विश्वास करे जे तुम कथा रे भरसि जाए जे निश्चित भावरे खालरे पड़े पूजास्पद बड़ भाई गोटे प्रश्न रहिला जे नारी कुल प्रतिनिधि हिसाब से भर्सना कर शकुंतला निजर प्रतिक्रिया जनई दुष्मंत आगे एमती एक निर्दिष्ट परिस्थिति रे माँ सीता ठाकुरानी राम को मृदु भर्सना कर क्यों परिस्थिति रे एवं कौन कह भर्सना कले आसिले परवर्त सोपान बड़ भाई आम कहे यहाँ मोर गंठी रहिला ये अति दृढ़े पूजास्पद गुरुदेव गायक केशरी स्वर्गत उदयनाथ जो लेखा सुदूर प्रसारी ये अति दृढ़े लड़े पाला प्रसंग पुनर्मिलन यार द्वितीय भागर प्रथम पर्याय पाला परेषण कले गायक वेद विशारद पंडित रमेश चंद्र पंडा वर्तमान स्थिति कौटी शकुंतला राजा दुष्यंत राजदरबार उपस्थित होती निजर अधिकार कामना करुंती परिस्थिति यही द्वितीय भागर द्वितीय पर्याय अर्थात चूड़ांत पर्याय पाला परेषण करेंगे गायक गौरव रजनीकांत पुष्टि।
ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଗାୟକ ବେଦବିଶାରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ଦରବାରକୁ ଆସିବେ। ଭାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ହସ୍ତିନା କଟକ 1921 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା 2007 ମସିହାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଆଶୁ କବି ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ପଦଟି ଲେଖନ୍ତି। ସେଇ ହେଉଛି ହସ୍ତିନା, ସେଇ ହସ୍ତିନାର ସମ୍ରାଟ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶାରଦବତ ସାରଙ୍ଗରବ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜି ଦ୍ୱାରି କହିଦେଲା, ମଣିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଏ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ଏକ ଅଛି ବୃଦ୍ଧା, ତରୁଣୀ ଅଛି ଅପରା। ସେ ଋଷି କନ୍ୟା ନୁହେଁ, ହେଲେ ବା ହେବ ଅପ୍ସରା। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ହସିଲେ, ଖାଲି ହସି ନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଏ ନାରୀ ସହିତ କେବେ କାହିଁ ମୋର ହୋଇନାହିଁ ପରିଣୟ। ହସ୍ତିନା କଟକେ ଦେଖାଗଲା ଆଜି ଅଭିନବ ଅଭିନୟ। ଅଭିନବ ଅଭିନୟ, ଇ ନାରୀ କିଏ? ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ସେଇ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଏ ପ୍ରେମରେ ହେଇଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଶକୁନ୍ତଳା ବିଦା ହେବା ସମୟରେ ତା ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ମୁଦ୍ରିକା, ଏ ଦୂର ହେଲୁ ଏବେ ବୋଲି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଅନସୁୟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ଆବାଲ୍ୟ ସଙ୍ଗିନୀ ଦୁକୁଳ ଅଞ୍ଚଳେ ଅଙ୍ଗୁରିୟ ଦେଲେ ବାନ୍ଧେ। ସେଇ ଅଙ୍ଗୁରିୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାତପା ଦୁର୍ବାସା। ଆଜି ସେଇ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଏ ଭଦ୍ରେ ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ ଯାଇଛି ତୁମ ପାଖକୁ, କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବେ, ମୋର ପାଲା ପ୍ରେମୀ ସୁଧି ସମାଜ, ସେଇ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବାହାର କରୁଛି ମୁଦ୍ରିକା। କାହିଁ ଆଜି ଏ କାନି ସେ କାନି ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାକୁଳେ, ସତା ନାହିଁ ମୁଦ୍ରିକାର ନିଜ ପଥ ପରିଷ୍କାର। ରାଜା ମାଗୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଦ୍ରିକା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଭାଇ ମୋର କହୁଥିଲେ ସଚିତୀର୍ଥ ଜଳରେ ଆସିବା ବାଟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ହଜେଇ ଦେଇଛି ରେ। ସୁମନ୍ତ ଜୁଲୁମ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖା ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରମାଣଟା ଦେଇଦେଲେ ହସ୍ତିନାର ରାଣୀ ହବ। ଆଜି ଏକାନି ସେକାନି ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାକୁଳେ, ସତା ନାହିଁ ମୁଦ୍ରିକାର ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ବିପଦ କରିଦେଇଅଛି ନିଜ ପଥ ପରିଷ୍କାର।
ଭାଇ ମୋର ଗଣ୍ଠି ଦେଇଥିଲେ ଟାଣୁଆ ଗଣ୍ଠି, ଗୋଟା ଗଣ୍ଠି କି ଖୋଲିଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟା ଗଣ୍ଠି ଦେଇଛି, ତାକୁ ବି ଖୋଲିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଗଲେ, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ, ସୀତା ମା ଅନେଇଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କର ଆଖିକି, ସତ୍ୟସନ୍ଧ ରାମ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ କିଂ ମାମ ସଦୃଶଂ ବାକ୍ୟଂ କିଦୃଶଂ ସତ୍ୟଦାରୁଣଂ ପୁରୁକ୍ଷଂ ସାବୟସେବୀର ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରାକୃତାମିବ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଅଛି, କୋଉ ଗଣ୍ଠି? ଆଜି ମୁଦ୍ରିକା ମିଳୁନାହିଁ, ରାଜା ଜୁଲୁମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ରାଜା ଚାହିଁଲେ କହିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ମିଥ୍ୟା, ଆଜି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ତୁମେ? କୌଣସି ମୋହିନୀ କନ୍ୟା? ତୁମେ ମାୟାବିନୀ? ତୁମେ କୁହକିନି? ଏ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ, ଯାହାକୁ ଗୀତା କହେ, ଏ କ୍ରୋଧାତ ଭବତି ସମ୍ମୋହ ସମ୍ମୋହତ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ସ୍ମୃତି ହଂସାତ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ବୁଦ୍ଧି ନାଶାତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। କ୍ରୋଧ ମାନବର ପରମ ଅରି କ୍ଷଣ କେ ଚେତନା ନିଅ ହରି, ଏ କାମ ନବାଧା ପାଇଲେ କ୍ରୋଧ ଅବତରେ। ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ବିଦା କରିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି ପଦଟିଏ କହିଥିଲେ, ଭାଇ ମୋର କେତୋଟି ପଦ ଗାଇଥିଲେ, ପାତୁ ନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସତି ଜଳଂ ଯୁଷ୍ମା ସ୍ୱପିତେ ସୁଜା ନା ଦତ୍ତେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡନାପି ଭବତାଂ ସ୍ନେହ ନଜା ପଲ୍ଲବ ଆଦେବ କୁସୁମ ପ୍ରସୂତି ସମୟେ ଯସ୍ୟା ଭବତି ଉତ୍ସବ ସେଇ ଜାତି ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରତି ଗୃହ ସର୍ବେଇ ରନୁ ଜ୍ଞାୟତ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି, ଆଜି କାନନକୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ମୁନିନ୍ଦ୍ର ଆଏ ତରୁ ଲତା ମାନେ ଇଏ ତୁମ୍ଭ ଆଜନ ମୋ ସଖୀ ଯାଉଅଛି ଆଜି ପତି ସନ୍ନିଧାନ ଗଛଲତା ମାନଙ୍କୁ ଅନେଇ କରି କର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି ପୁଣି ପାଖରେ ବସେଇ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଭାଇ ତ ସେ ଗତାନୁଗତିକ ପଦ ପଢିଲ, ଆଉ ନୂଆ କଥା କାହିଁ? ନୂଆ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୃତିବାସ ନାୟକ, କହିଲେ ମା ଇଏ ପରକୁ ଆପଣା କରି ପରକୁ କରିବୁ ଘର ଦୁଇ କୂଳ ହିତା ହେବୁ ମାଟି ମୋର ପରକୁ ଆପଣା କରି କରିବୁ ଘର ପରକୁ ଆପଣା କରି କରିବୁ ଘର। ଆମର ଗୋଟିଏ ଗାଉଁଲି କଥା ଅଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, କ'ଣ ସେ କଥା? ବାପ ଘର ଝିଅ କୁସୁମ ହାର, ଶାଶୁ ଘରେ ହେବୁ ତୁଠ ପଥର, ତୁଠ ପଥର ତ ସବୁରି ପାଇଁ ଗୋଡ ଘସି ଦେଇ ଯିବେ ପଳେଇ। ମା ତୁ ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ କହିଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ସାରିଦେଲା ଆଜି ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପ, ମୁଦି ନାହିଁ, ମୁଦିର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଚାଲି ଆସିଲେ ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ପୁରୋଧା ଆସିଲେ, ପୁରୋଧା କହିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁନି, ରଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରସୂତିକା ହେବା ଯାଏ ବରା ରୋହା ରଖିତା ହେଉ ଯତ୍ନେ। ତାପରେ ଗ୍ରହଣ ଅବା ନିଗ୍ରହଣ ଯାହେବ ଛାମୁଙ୍କ ମନେ
चक्रवर्ती चिन्हटा शरीर रही थी अंत आपको मुझे निवेदन करुछि ये नारी राजवाटी रहू ताकू साहाज्य करा जाऊ ता गर्भस्थ संतान जन्म ग्रहण करू तापर आपण ग्रहण करिवे बान करिवे प्रमाण मिलिबो सेइछु किंतु किंतु सबुठारु मौजिया कथा यही समय रे मां मेनका आसी ये झियाटी को नहीं गला रे मां डाकिला झियो आ आ पहुंचे इदला कोठ खिला ये शिशिर सदने जन्मिल आनंदन हर रूपवंत देखी शिशिर आनंद अधीर हेला जन महातपा कश्यप ऋषि आश्रम शकुंतला को रखिले माँ मेनका लक्ष्य देवे मोर पाला प्रेमी सुधी समाज जो काश्यप नामानुसार आज यही काश्मीर काश्यप मीर काश्मीर मीर कहले जलाशय काश्यप ऋषि जो बसी जो बरफ जगार ना आज यही काश्मीर आपको सीना सान भाई सब हिसाब कले हव खाली कौन पुराण पढ़ले हव इतिहास पढ़ भूगोल पढ़ विज्ञान पढ़ दर्शन पढ़ ताल पाला हम ना से शिशिर सदने जन्मिला नंदन मनोहर रूपवंत ता देखि शिशिर आनंद अधीर हेला जेने उन्नत ये शंख बजाइले मधुप मधुरे नामकरण उत्सवे दुष्मंत शकुंतला प्रणयक निष्फल हव आज विश्व देखुची सीना डाइवर्स केस ये डाइवर्स केस नुई पुनर्मिलन हव समय आसुची नारी कवि कहती किए केन्द्रापड़ा जिलार झील जो झील आज ना जन्म होते उबिशे उतस्तरी आज पे पढ़ुं दशम श्रेणी नारी कवि विद्युत प्रभा कह सबुदिन बाबू नकाशे आशार बहुत माला आसब तापे शरत सुंदरी धरी से फाड़िका डाला जहाँ को शेक्सपियर कहती लव इज प्लीजिंग पेन और पेनफुल प्लीजर प्रेम है आनंददायी व्यथा बा व्यथा दायी आनंद आपको बुझा को हम ना मुझे कथा कह पु जन्म हो कौटी कश्यप ऋषि आश्रम शिशिर बरफ थंडा जगह दिन पर दिन गला ये शुणे विदुष भला दिन पर दिन गति करती जा सबुठ मौजा कथा ये बसी था राजा बाहर मंडपे रक्षक आसी से मुद्रिका गोटे रूपहस्ते देपहस्ते प्रणमीए मंत भाषी महाराज आज नगर भ्रमण समय रे अपहूत ये मुद्रिका सहित गोटे धीमर एवं होती धूप मणिमा आपण को मुदी मुझे जो चोरा को नहीं ताकू भी धरिक बड़ मौजिया कथा ये धीवर कहे से माछ मारी सची तीर्थ जले जाले मुद्रिका
ଟଙ୍କା ପାଇଲା ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାର ପୁଣି କାଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋର ପାଲା ପ୍ରେମୀ ସୁଧି ସମାଜ ଧୀବର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାଛ ମାରିଥିଲି ସେ ମାଛକୁ କାଟିବା ସମୟରେ ଏ ମୁଦ୍ରିକା ପାଇଛି ଏ ମୁଦ୍ରିକା ଆମିଷ ଗନ୍ଧ କରୁଅଛି ଏକଥାକୁ ସମର୍ପିତ ମୁଦ୍ରିକାରେ ହୋଇଅଛି ସାମୁଙ୍କର ନାମ ଅକ୍ଷର ଖୋଦିତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପାହି ପାଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅନ୍ଧାର ରହିବ ଆଜି କହୁଛି ଧୀବର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମିଷ ଗନ୍ଧ କରୁଛେ ମୁଦି ଇଏ ସତେ କି ହେବ ବୋଲି ସତେ କି ହେବ ବୋଲି ନରେଶ ନିଅନ୍ତେ ମୁଦ୍ରିକାର ପରିଚୟ ସ୍ମୃତି କପାଟ ଦିଶିଲା ଶକୁନ୍ତଳା ପରିଣୟ ମୁଦ୍ରିକା ପାଇଲା ପରେ ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ବିବାହ କଥା ଯାହାକୁ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରମେଶ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତ କଣ ସେ ମତ ଏ ଇଚ୍ଛା ଏହା ନେନୁ ସଂଯୋଗ ଗାନ୍ଧର୍ବ ସତୁ ବିଜ୍ଞେୟ ମୈଥୁନ୍ୟ କାମ ସମ୍ଭବ ଭାବିଲେ ରାଜନ ସତ କଥା ମୁଁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ ବିବାହ ହେଇଥିଲି କେଡ଼େ ଅଧମ କେଡ଼େ ପାମର ମୁଁ କଣ କଲି କଣ କଲି 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 ଆଉ ଲଭିବି କି ପ୍ରିୟ ବଲ୍ଲଭ କି ଦୁଃଖୀ ହେଲି ଦେଇ ଦୁଃଖ ବନେ ଉପବନେ ଖୋଜିବା ଲୋଡ଼ନ୍ତି କାହିଁ ଦେଖାଇବି ମୁଖ ରହରେ ବାପା ଏଇ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଲେ ରାକ୍ଷସ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ନିଜେ ମାତଳିକି ପଠେଇଲେ କହିଲେ ଯାଅ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରୂପକୁ ଆଣ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନ ଆସିଲେ ୟାକୁ ସାବାଡ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ କେହି ତଳିପାରିବେ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ରେ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଗଲା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ ମାତଳି ହାତରେ ପୁଣି ପଠେଇଲେ ଇଏ ବାଟରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରାଜା ପଚାରିଲେ ହେଲେ ମାତଳି ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ କି ଆଶ୍ରମ କାହା ଆଶ୍ରମ ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚାଲିଲେ ଇଏ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସିଂହର ଦାନ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପୁଅ ମାଡ଼ି ବସି ଗଣୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତପସ୍ୱୀ କହୁଛି ଏ ଚଗଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗେ ନା ସେ କୁକୁର ଛୁଆ ନୁହେଁ ବିଲେଇ ଛୁଆ ନୁହେଁ ସିଂହ ଛୁଆ ରାଜା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କି ଖା ପିଲା ଆର ମା କିଏ ସେ ଆଉ ବାପ କିଏ ସେ ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାର ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ରକ୍ଷା କାଣ୍ଡଟା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ କବଚ ସେ କବଚକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଗୋଟେ ତାପସୀ ଚାହିଁଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଛୁଅନ୍ତୁନି ଛୁଅନ୍ତୁନି ରାଜା ଅନେଇଲେ କାହିଁ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ରାଜା ଏ ବିଷଧର ସର୍ପ ହେଇଯିବ ଦଂଶନ କରିବ ରାଜନ ବୋଇଲେ ଅନ୍ନ କରେ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ନସିଛି କି କାର ତାପସୀ ବୋଇଲା ଥରେ ନୁହେଁ ତାହା ଘଟି ଅଛି ବହୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ମା ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର
कोटि कोटि जनता पाला प्रेमी सज्जन मंडली अनेक समय बीती गला राजा हाथ में से कवचटी आउ सर्प हेला ना राजा भाविले ये मोरी पुओ मो पुत्र मो पौत्र बोली बालक को धरी कले आलिंगन कोले नियंती पुओ डाका पकौचि मा जणे कि आसे मते धरुचंती पुओ बोली कहउचंती देखिबुआ 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 ररे सबुठारो आनंदर मुहूर्त चली गले केते तापस शकुंतला को जणे देले शकुंतला आसे सोनेत्रे देखिले पुत्र अछि पिता उनके ये रही गले हर्ष कमल मंडित विषम विषाद पंके रहो आज यही दुष्मंत शकुंतला मिलन घटी जहा आम विष थिला पुनर्मिलन दुष्मंत शकुंतला मिलन हला ये छ बरस विरह वेदना गला केउ वाड़े उड़ी पुअर नाम होता सर्वदमन पुअर नाम होता बसंत आज सबु ना पर पुअ ना है भरत जो भरत नामानुसार इतिहास कहे पुराण कहे आम देश ना है पवित्र भारत वर्ष से ही मो जन्म भूई रे जहा जहा कथा मान पुराण विधान आसमें होलाटी पुनर्मिलन शकुंतला साथी जे दुष्मंत जान समस्त को नारायण करंतु कल्याण महाकवि कालिदासंकर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक आधार रे लड़े पाला प्रसंग पुनर्मिलन आपण माने देखिले एहा अत्यंत रसमय शेष पर्याय रे गायक गौरव रजनीकांत पुष्टि एहा को आहुरी मंजुल करिसंती तांकु आपण मानक तरफ़ सिद्धार्थ भक्ति टीवी तरफ़ आम अशेष धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण करुँ सहित थिले प्रतिद्वंदी गायक विशारद पंडित रमेश चंद्र पंडा तांकु आपण मानक तरफ़ एवं सिद्धार्थ टीवी तरफ़ अशेष धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण करुँ जय जगन्नाथ एवं जगन्नाथ महाप्रभुंकर सुंदर कीर्तन सहित ए पाला को आज पाई विश्राम देवा सहित प्रतिश्रुति दौचु आउ एक सुंदर प्रसंग नहीं खूब शीघ्र आसुचु जय जगन्नाथ दिन जन क्षण रक्षण महाबाहु सर्वे उच्च स्वरे हरिबोल हुळहुळी करताली दियंतु आपण मानक अभिलाष परिपूर्ण हेबा संगे संगे ए विश्व दुख